आज हम 11 साइंस सीईटी के लिए हम अगला वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले वीडियो में आप सबने क्वेश्चंस के आंसर हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखे हैं, तो ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा कि उन सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं आए वो आपको एक वीडियो में मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके दूँ। आपके सामने अगर अभी भी दिक्कत है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और वीडियो कैसे देखना है, तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा। जैसे ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि ओएमआर शीट, अगर आपके सामने कोई ओएमआर शीट होगी तो वो ले लो, या फिर आप रफ बुक पे भी आपका जवाब 30 सेकंड में लिख सकते हो, और इस 30 सेकंड में आपका जवाब आना चाहिए। आप वहाँ पे ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट करके रखो कि मुझे ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, और फिर 30 सेकंड के बाद आपके सामने स्क्रीन पे आंसर डिस्प्ले होगा। तो आंसर आने के बाद आपको करेक्ट आंसर पता चलेगा, फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो इस टेक्निक में अब मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो इस टेक्निक में आपको सॉल्व करना था। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है, स्टार्ट। समय समाप्ति की घोषणा और आंसर आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन है डी। आइए आप करते हैं अगला क्वेश्चन। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आर। चलो बच्चों जल्दी आंसर दो, लिख लो, और समय समाप्त। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, -4 और -3। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रियल एंड इक्वल इज। ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है, स्टार्ट। और तीसरे क्वेश्चन का समय समाप्त और आंसर है आपके सामने ऑप्शन बी, -4x + 4 = 0। आइए आप करते हैं अगला। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ 8 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन (x²-10x + k) = 0 देन द वैल्यू ऑफ k इज। ऑप्शन आपके सामने है, आपका समय शुरू हो चुका है। टाइम अप। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 16। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ इक्वेशन (3x²-2x + a) = 0 इज डबल द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ (x²-4x + 2) = 0 देन द वैल्यू ऑफ a इज।
समय समाप्त और इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी -1। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² -x - 2 = 0। ऑप्शन आपके सामने है, समय शुरू हो चुका है। समय समाप्त, आंसर है ऑप्शन बी -1/2। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - kx - 5/4 = 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज। समय समाप्त हो चुका है, इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है A2। अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ द इक्वेशन ऑफ kx² + kx + 1 = 0 हैज अ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, देन। सर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको के इज लेस देन 0। ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, आपको खुद को क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिससे हमारा वीडियो का टाइम थोड़ा छोटा हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ के पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना है और फिर बाद में प्ले करना है, मतलब आपके 30 सेकंड शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं।